ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 11 और जिसका नाम है जी Trigonometric Functions and Their Graphs. इसमें हम आज जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Graphs of Trigonometric Functions. यानी हमारे पास सर Trigonometric Function है, Sine Function, Cosine, Tangent, Cotangent, Secant, Cosecant. अब इनके Graphs को हम पहचानेंगे. तो सबसे पहला जो हम MCQ सॉल्व करते हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमसे पूछा ये जा रहा है कि which function shows given type of graph. यहाँ पर अब आपको एक graph जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है. ये 2π लिखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर ये negative बल्कि था negative 2π है ये. इसी तरह यहाँ पर ये π value है और ये positive 2π है, 2π है, ठीक है. अब क्या ये function जो आपको भी shape बनी भी नजर आ रही, क्या ये sine function का graph है, क्या ये cosine function का है, secant का है या कोसेकेंट का. अब हमने इसकी पहचान कर ली है, ठीक है. देखें अगर साइन फंक्शन की बात की जाए तो साइन फंक्शन जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है वो पॉजिटिव 1 देता है, ठीक है. और उससे कम होती है और मिनिमम -1 और 1 के दरमियान है, मतलब उससे -1 से मतलब बड़ी वैल्यूज होती है. -1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है. कोसाइन भी सेम यही शो करता है ग्राफ में, ठीक है. अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पर मतलब अगर 90 डिग्री की बात की जाए पाई बाय 2 पे तो ये वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे शो हो रही है 1, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस पाई बाय 2 की बात की जाए, बल्कि यहाँ पे बल्कि माइनस पाई बाय 2 की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू -1 आ रही है. यहाँ पे ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये +1 लिखा हुआ है. अब हम इस ग्राफ को अगर देखें तो ये ग्राफ पाई पर अनडिफाइंड हो रहा है और जीरो पे भी ये क्या हो रहा है जी, अनडिफाइंड हो रहा है. यानी एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ है जो जीरो और पाई पे अनडिफाइंड हो जाता है और वो हम जानते हैं कोसेकेंट फंक्शन है. क्योंकि कोसेकेंट जो होता है फंक्शन जिसे हम कोसेकेंट थीटा अगर लिखें एंगल थीटा के हवाले से तो ये बराबर होता है 1/sin θ के, ठीक है. और साइन फंक्शन जो है वो जीरो डिग्री पे भी जीरो वैल्यू देता है, यानी 1/0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है. और इसी तरीके से अगर इसमें हम नेक्स्ट एंगल अगर पाई पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो तब भी ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी 1/0 आएगा, तब भी अनडिफाइंड होगा. लेकिन अगर हम इसमें पाई बाय 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 आंसर आएगा. तो इसका मतलब कि ये ग्राफ जो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वो सीकेंट फंक्शन की शो कर रहा है. इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किसका है जी, ये कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ है. और हम फिर इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो इसे मार्क कर देंगे. बाय प्रॉपर्टीज हमने बात समझी है कि हम जानते थे डोमेन और रेंजेस के हवाले से, हर फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें पता है. उस लिहाज से हमने देखा कि कोसेकेंट फंक्शन का ये ग्राफ जो है वो ड्रा हुआ है. जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. इसकी स्टेटमेंट है कि विच फंक्शन शोज गिवन टाइप ऑफ ग्राफ. अब ये ग्राफ किस फंक्शन का, क्या ये साइन फंक्शन का है, क्या ये कोसाइन फंक्शन का है, सीकेंट का है या कोसेकेंट का है. अब इनमें से हमने एक बात एक ऑप्शन को मार्क करना है. देखिए अगर साइन फंक्शन का होगा तो हम जानते हैं कि साइन जो वैल्यू देता है अपनी जीरो डिग्री पे वो जीरो देता है, ठीक है. जबकि कोसाइन फंक्शन जो है वो जीरो डिग्री पे जो वैल्यू देता है वो वन देता है. सीकेंट और कोसेकेंट, अगर सीकेंट फंक्शन की बात की जाए तो ये भी वैल्यू 1 देता है और कोसेकेंट जो है वो अनडिफाइंड होता है. इसका मतलब ये ग्राफ अगर 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है तो ये ग्राफ अब जो है वो ना तो साइन फंक्शन का हो सकता है ना कोसेकेंट का, यानी ना ऑप्शन डी हो सकता है ना ए. अब दो रह गए ऑप्शन हमारे पास, ठीक है. अब हम इन दोनों पे जरा देखते हैं कि इनमें से ये किसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है. यहाँ तक हमने बात समझ ली. अब हम ये देख रहे हैं कि जो कोसाइन फंक्शन है वो 90 पे जीरो वैल्यू देता है, जबकि कोसेकेंट फंक्शन जो कि 1/cos θ के बराबर है वो 90 पे 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है. ये तो डिफाइंड है. इसका मतलब कि हम कहेंगे ये ग्राफ जो है फिर सीकेंट फंक्शन का भी नहीं है, ये सिर्फ कोसाइन फंक्शन का. ये जो भी प्रॉपर्टी इसमें शो हो रही है वो सारी कॉस फंक्शन की है, कोसाइन फंक्शन की है. इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पे वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी. इसकी स्टेटमेंट भी यही है कि विच फंक्शन शोज गिवन टाइप ऑफ ग्राफ. अब ये ग्राफ हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये साइन फंक्शन का है, कोसाइन फंक्शन का है, सीकेंट का है
या कुछ सीकेंट का है, ठीक है जी। ये बात हमने अब यहाँ पर समझनी है। देखिए बाय प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, जैसे से पहले भी मैंने बताया कि तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन है, लेकिन ये अनडिफाइंड हो रहा है पाई बाय टू पे और माइनस पाई बाय टू पे। इसका मतलब ये इन दो में से तो नहीं हो सकता। अब सीकेंट फंक्शन और कोसीकेंट, अगर सीकेंट की बात की जाए, सीकेंट थीटा की, तो ये वन ओवर कोसाइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू अगर पाई बाय टू पे चेक की जाए तो ये ज़ीरो होती है। इसका मतलब वन ओवर ज़ीरो ये अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ज़ीरो पे देखा जाए, इसकी वैल्यू सीकेंट की वैल्यू ज़ीरो पे अगर देखी जाए तो कॉस ज़ीरो वन होता है और सीकेंट ज़ीरो की वैल्यू जो है वो हमारे पास वन आ रही है। इसका मतलब देखिए ये ग्राफ बेसिकली ज़ीरो पे वन वैल्यू शो करता है और जैसे जैसे हम ज़ीरो से 90 की तरफ मूव कर रहे हैं ये ग्राफ अपनी ग्रेटर वैल्यू शो करना शुरू होगा। और यहाँ से भी हमें यही पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिवाइज़र हमारा ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा हमारी वैल्यू बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। जितना डिवाइज़र छोटा होता है उतनी बड़ी वैल्यू होती है। इसी तरह इस साइड पे भी हमें यही बिहेवियर नज़र आ रहा है नेगेटिव में भी, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर जितना उसका मतलब उसके साथ माइनस एट माइनस सिक्स से बड़ा है, मतलब सॉरी माइनस एट माइनस सिक्स से क्या छोटा है, माइनस सिक्स बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ ऊपर की तरफ मूव हो रही हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस इंटरवल की बात करें कि माइनस वन से पाई बाय टू की तरफ, बल्कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो तो नेगेटिव आ रही हैं लेकिन वाई की पॉजिटिव भी आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से माइनस थ्री पाई बाय टू तरफ मूव करें फिर वाई की वैल्यूज़ भी नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव ही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये बिहेवियर बेसिकली कोसेकेंट फंक्शन का, कोसेकेंट जो है उसमें ऐसा नहीं होता। कोसेकेंट में अगर हम कोसेकेंट मतलब जैसा ज़ीरो की बात करें तो चूँकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और वन ओवर साइन थीटा यानी वन ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड, तो ये तो ज़ीरो पर डिफाइंड है इसलिए ये कोसेकेंट फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ जो है वो किस फंक्शन का है जी, वो सेकेंट फंक्शन का, और वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट है कि विच फंक्शन शोज गिवन टाइप ऑफ ग्राफ। अब देखिए आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, अब क्या ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ है, कोसेकेंट का है, टेंजेंट का है या कोटेंजेंट का, अब इस बात को हमने समझना है। देखिए अगर ये सीकेंट का ग्राफ होगा तो हम जानते हैं कि सीकेंट की वैल्यू जो इस ग्राफ में ज़ीरो पे शो हो रही होगी, ज़ीरो पे, वो वन होनी चाहिए क्योंकि सीकेंट होता है वन ओवर कॉस, तो वन ओवर कॉस, कॉस की जीरो पे वैल्यू होती है वन, तो वन ओवर वन वन के इक्वल, लेकिन ये नहीं शो कर रहा, ये जीरो पे जीरो शो कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ सीकेंट का नहीं है। कोसेकेंट के लिए अगर आप देखें तो कोसेकेंट होता है वन ओवर साइन थीटा और वन ओवर साइन जीरो की वैल्यू होती है, यानी साइन जीरो जीरो होता है तो वन ओवर जीरो, इसका मतलब ये अनडिफाइंड होना चाहिए लेकिन ये तो डिफाइंड है जीरो पे, यानी इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो शो हो रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले दो ऑप्शन यानी ए और बी हम शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर थर्ड देखें टेंजेंट फंक्शन को, ठीक है, तो टेंजेंट फंक्शन जो है ज़ीरो पे क्या वैल्यू देता है इसको हमने देखना है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ज़ीरो ओवर कोसाइन ज़ीरो, ठीक है, चूँकि ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, चूँकि एंगल थीटा मैंने ज़ीरो पुट किया, या मैं थीटा ही लिख देता हूँ। अब साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है और कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन, तो आंसर हमारा आ रहा है ज़ीरो। अब ये प्रॉपर्टी कुछ हद तक यानी हमें नज़र आया कि ये टेंजेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। देखें अब यहाँ पर जैसे जैसे हम 90 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस एंड में, ठीक है, बल्कि ये थोड़ी सी लाइन इस साइड पे थी, मैंने ज़्यादा दूर ड्रॉ कर दी है, ये बेसिकली एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं, ठीक है, ये जो लाइंस जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ जैसे जैसे इसकी वैल्यू पाई बाय टू की तरफ मूव करती है, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो रहा है, जो कि टेंजेंट फंक्शन भी अगर पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू देखें तो टेंजेंट चूँकि साइन 91 और कोसाइन 90 होता है ये अनडिफाइंड होता है, जबकि कोटेंजेंट जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, ठीक है। अब अगर ज़ीरो पे वैल्यू देखी जाए तो कॉस ज़ीरो तो वन है लेकिन साइन ज़ीरो जो होता है वो मतलब वो ज़ीरो होता है, तो ये तो वन ओवर ज़ीरो हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से चूँकि
ये cos theta over sin theta बना, ये तो undefined हो रहा था, इसलिए कोई tangent function तो ये नहीं हो सकता, ये tangent function का graph है, ठीक है। आप इस पे और ज़्यादा study करेंगे, आप देखें तो आपको जितनी भी बातें हैं हम सारी इस graph में tangent function के हवाले से नज़र आएंगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये graph किस function का है जी, ये tangent function का graph है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट MCQ को स्टडी करते हैं जी, कि विच फंक्शन शोज गिवन टाइप ऑफ ग्राफ, जिसमें के आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, क्या ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ है या कोसेकेंट का है, कोसाइन का है या साइन का, अब हमने इस बात का आंसर करना है, ठीक है। अब देखें, हम ये बात जानते हैं कि कोसेकेंट फंक्शन, जैसे अभी से पिछले MCQ में भी हमने देखा कि ज़ीरो पे जो वैल्यू देगा वो वन होगी, ठीक है, सॉरी सीकेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन चूंकि वन ओवर कॉस के इक्वल, और कॉस ज़ीरो जो होता है वो वन होता है, इसलिए वन ओवर वन वन, लेकिन ये फंक्शन ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। अब क्या ये कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ है? कोसेकेंट होता है जी वन ओवर साइन फंक्शन। अब आप ये जानते हैं कि साइन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो होती है और वन ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन तो ज़ीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन ये डिफाइंड है, इसकी तो वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो शो हो रही है, इसका मतलब कि ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड सी की अगर बात की जाए तो ये तो कोसाइन फंक्शन और कॉस की वैल्यू ज़ीरो पे वन होती है, लेकिन ये ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग हो गए। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास है, डी ऑप्शन, और हम देख रहे हैं बाकायदा कि ये वाकई साइन फंक्शन का ग्राफ है, चूँकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, फिर साइन पाई बाई टू पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू वन शो करता है, फिर पाई पे ज़ीरो वैल्यू शो करता है, थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन शो करता है, टू पाई पे ज़ीरो शो करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस ग्राफ में जो हमें नज़र आ रही हैं वो साइन फंक्शन की हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, की स्टेटमेंट है कि विच फंक्शन शोज गिवन टाइप ऑफ ग्राफ। अब ये देखें, ये एक नए टाइप का ग्राफ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या ये सीकेंट फंक्शन का ग्राफ है? जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सीकेंट जो है वो वन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और कॉस की वैल्यू ज़ीरो पे होती है वन, ठीक है, कॉस ज़ीरो होता है वन, तो ये तो वन आंसर देगा ज़ीरो पे, जबकि ये ग्राफ हमें ज़ीरो पे जो आंसर दे रहा है ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये सीकेंट का ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट ज़ीरो ज़ीरो होता है, ये ग्राफ ज़ीरो पे भी ज़ीरो आंसर नहीं दे सकता, ये टेंजेंट का भी ग्राफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही। अब रह गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट रेशियो होती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की, ठीक है। चले हम दो वैल्यूज़ पर इसको देखते हैं, अगर कॉस मतलब टेंजेंट ज़ीरो डिग्री, टेंजेंट ज़ीरो डिग्री पर इसकी वैल्यू देखें या रेडियन पे, तो cos 0 1 और sin 0 0 तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, और ये भी कुछ ऐसे ही शो कर रहा है कि 0 के जैसे जैसे नियर जा रहा है ये अनडिफाइंड हो रहा है, बहुत लार्ज वैल्यू आ रही है। और अगर हम इसमें पाई बाय 2 पुट करते हैं तो sin cosine पाई बाय 2 जो होता है वो 0 होता है और sin पाई बाय 2 1, तो ये आंसर 0 शो करेगा जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ भी माइनस पाई बाय 2 पे भी ये जो है वो 0 शो कर रहा है, इसका मतलब इसके इस ग्राफ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं अगर आप इसको इस तरीके से स्टडी करें तो वो हमारे पास कौन से फंक्शन की पाई जा रही हैं, कोटेंजेंट फंक्शन की पाई जा रही हैं, जबकि ये जो आपको वाइट कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं वर्टिकल लाइंस, ये जो ये एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं, यानी ये इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये इस ग्राफ के पैरल मतलब यहाँ पे देखें इस तरह से चल रहे हैं यहाँ से और ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो फिर इस लिहाज से हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस एमसीक्यू के लिहाज से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस एमसीक्यू के लिहाज से वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, और हम इसे जो है वो मार्क कर देंगे। जबकि बाकी जितने भी हमने ग्राफ स्टडी किए हैं उसमें हमने एक बात और नोट की कि जो साइन फंक्शन और जो कोसाइन फंक्शन है इनके एम्पलीट्यूड्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके अलावा दूसरे ग्राफ्स हैं वो चूंकि अनडिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है, अपनी एक ख़ास वैल्यू पे, जैसे ये इस फंक्शन को देख लें तो ये ज़ीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, बहुत लार्ज वैल्यू आ रही है जो कि हम बता नहीं सकते, इसलिए इनके एम्पलीट्यूड को हम नहीं बता सकते, लेकिन साइन और कोसाइन की वैल्यू के लिहाज से हम एम्पलीट्यूड को बता सकते हैं।